कितना प्यारा कबूतर है, अबे यूनिक कबूतर है यार ये तो। नेचुरल गर्म पानी, जकूजी, हाँ नेचुरल धुएंदार पानी है भाई, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। अरे यार कुछ नजर ही नहीं आ रहा भाई, ये देखो यार। अस्सलामुअलैकुम गाइस, गाइस आज सबसे पहले एक कबूतर आया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त कबूतर आया हुआ है, और एक फैंसी कबूतर है, फैंसी, और हमारी इस छत पे बैठा हुआ है, और वो रहा छोटू। कितना प्यारा कबूतर है, अबे यूनिक कबूतर है यार ये तो। यार वो भागने के चक्कर में, भाई भागने के चक्कर में उसको खतरा लग रहा है, छोटू नीचे से तंग कर रहा है अपने कबूतर। वो दे, अबे यार निकल गया, वो देखो वो गया, वो जा रहा, और लंबा गया, अब नहीं आएगा, गया गया। तो भाई साहब चला गया यार फाइनली, सारी की सारी मेहनत बर्बाद, कोई मसला नहीं, खैर है मेरे पास वो नहीं था ना पकड़ने वाला, तो ऐसा ही होता है गाइस। फाइनली आज पेट्स को मैंने गोश्त डाला है, और गोश्त पेट्स ने तो नहीं खाया, बकरा मतलब कि बकरे का गोश्त था, वो भी कच्चा, और ये ऊपर कब्बे देख सकते हैं आप लोग कितने ज़्यादा इन्होंने गोश्त खाया, और चील वगैरह आ गई, ये देख लो अभी तक बैठे हैं, इन सब ने गोश्त खाया आप चेक कर सकते हैं। और गोश्त में भी हो सकता है अभी भी पड़ा हो यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। गोश्त, जी हाँ गोश्त यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देख लो, ये है गोश्त, ये खा टर्की बर्ड खा, अरे ये खाना नहीं खाना तो चल निकल दफा। ये कब्बे भाई साहब, ये लो खाओ खाओ, मैंने छत पे फेंक दिया, सो अभी कब्बे खा लेंगे भाई। और यहाँ पर टर्की बर्ड खा रहे मज़े मज़े से, और कुछ बोटियाँ हैं जैसा कि ये लेग पीस है, और ये लो खाओ, मुर्गी हमारी खाएगी बड़े शौक से, और मुर्गी खा रही है भाई। और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मतलब कि आज इतना माल इनको मिला है ना, मैं क्या बताऊँ अभी, इनको सेवइयाँ भी मिली हैं, और चावल बिरयानी भी मिली है, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या इनको मिला, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और हमारे कबूतर माशाल्लाह से ऊपर हैं, और मोर अंदर है भाई साहब, और हाँ मैं भाई दरवाज़ा खोल देता हूँ अंदर का, क्योंकि मैंने अभी तक खोला नहीं है, अच्छा ताकि मोर हमारे भाई साहब जो है ना अंदर आ सके। ये मैंने बंद कर रहा था दरवाज़ा, ये हो गया, अब हो गया। तो अभी अभी भाई मैं चलता हूँ भाई ऐसी जगह पर जहाँ पर आप लोग मतलब कि इतना ज़्यादा हैप्पी होंगे, इतना ज़्यादा हैप्पी होंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता, तो जल्दी से उस जगह पर हम चलते हैं। नेचुरल गर्म पानी, जकूजी, हाँ नेचुरल धुएंदार पानी है भाई, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, धुआं इस धुआं देखो, ये नेचुरल पानी है, क्यों भाई मोहसिन, हाँ कुदरती पानी है, और ये देख लो अभी ये देख निकल रहा है, इधर से निकल रहा है ये पानी सारा, ये देख लो भाई गरम धुआंदार पानी, गरम भाई साहब, और इधर बंदे देख लो कितने सारे हैं, अबे नजर ही नहीं आ रहा है यार कैमरे में, तो इधर इतना धुआं है यार, मजे धुआं देख हैं, देख रहा है अजय आते हैं अल्लाह, पहली दफा ना आ रहा हूँ इसे याद आती तो जाती है, बोले लाओ मोहसिन की बनाओ, इसको शेयर कर दूंगा, हाँ गरम है,
ऐसा ऐसा से अब डाल। हाँ सही हो गया। हाँ बाद में नहीं ना लगता, स्टार्टिंग में गर्म लगता। हाँ बहुत गर्म है भाई, ये शैम्पू लगा रहा है, साबुन लगा रहा है, थोड़ा उबल गया वो, उसको देखो जरा, ये छोटू हमारा। साबुन काला हो जाएगा, उसको नहीं देना भाई। कैसा एक्सपीरियंस है लाइफ का? वीआईपी है, पता नहीं कितने पैसे लगाते हैं, लाखों लगाते हैं। फ्री में, फ्री में, फ्री में गर्म पानी मिल रहा है भाई, एकदम गर्म अंडे उबल रहे हैं। पिछली बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, अंडे उबल जाते हैं इसमें। अंडे रखो, अंडे इसमें 25 मिनट के अंदर अंदर अंडे उबल जाएंगे। अंडे चाहे वो बोर्ड देख लो, हाँ टाइमिंग भी ऐसी है। हाँ दिन में लेडीज आती हैं और रात में भाई जेंट्स आते हैं। दिन में लेडीज, रात में जेंट्स। लेडीज की टाइमिंग 4 बजे तक है, इसके बाद जेंट्स। तो भाई धुआं कितना ज्यादा यार, मैंने तो बस पाँव ही रखे हुए, मुझसे नहीं नहाया जाता भाई, सर्दी लगती है इधर काफी। अरे यार कुछ नजर ही नहीं आ रहा भाई, ये देखो यार। मजा आ रहा है, सही क्वालिटी धुएं की वजह से ना क्वालिटी सही नहीं आ रही। नहीं नहीं आईफोन से भी यही होगा ना, बीच में धुआं जो आ रहा है, भला रुकावट आ रही है ना। ये क्लियर आ रहा है, ये सही आ रहा है, इधर धुआं कम है। यहाँ से निकल रहा पानी है, ये कुआं फ्रेश पानी, ताजा पानी, गर्म पानी, अंडे भी उबाल दे, गरम अंडे बेच। हाँ गरम अंडे, सर्दी पहले सर्दी इनको इतनी ज्यादा लग रही थी, अब गर्मी लगना शुरू हो गई क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। हाँ पाँव साफ कर लो भाई, पाँव वैसे साफ हो गए यार मेरे पाँव, जख्म भी ठीक हो जाएगा। जख्म बाइक से गिरा है। तो गाइस गर्म पानी में इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन रात थी और धुंध काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से क्यों भाई? हाँ बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्वालिटी भी नहीं आ रही थी, है ना भाई? क्वालिटी भी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। बाय बाय।